हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में आप अपने घरों के अंदर ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही पुराना एक मेरा वीडियो था जिसको कि मैंने डाला है लॉकडाउन के इन दिनों में। तो ये फ्रेंड्स जो मैं ये जर्नी है मेरी, ये कोंकण रेलवेज, आप में से बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे। तो इसके बारे में जो मैंने पढ़ा या जो मैंने फील करा, मैं इस वीडियो के ज़रिए से आपको दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत ये रेलवे सफ़र होता है। वैसे तो जो इंडियन रेलवे है वो अपने आप में पूरे विश्व में प्रख्यात है अपने सफ़र के लिए, क्योंकि इंडिया की जैसे ज्योग्राफी इतनी सुंदर है, तो जहाँ जहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं तो आप देखते हैं जैसे कहीं पर सूखे मैदान है, कहीं पर हरियाली है, कहीं पर पानी है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर घाटियां हैं। तो आप अगर ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि आप जरा भी देर इन नज़ारों से आप अपनी आंखें हटा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो कोंकण रेलवे है ये बेसिकली 3 स्टेट से होके गुजरता है। पनवेल से शुरू होता है महाराष्ट्र में और ये एंड करता है मैंगलोर जो कि कर्नाटक में है। और टोटल किलोमीटर्स जो ट्रैवल करती है ट्रेन पनवेल से मैंगलोर तक के, वो 741 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो पैसेंजर ट्रेन इस ट्रैक पर चली थी वो 20 मार्च 1993 में चली थी और ये चली थी मैंगलोर से उडुपी के बीच, मतलब कर्नाटक स्टेट में ये चली थी। उसके बाद फ्रेंड्स, इसको इंटर स्टेट से कनेक्ट किया गया। तो जब इस पर बड़ी दूरियां की ट्रेन चली तो वो तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तारीख है 26 जनवरी 1998, मतलब जबकि हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं तब इस ट्रेन को चलाया गया। तो इस ट्रेन में काफ़ी सारी टनल्स भी आती हैं, बहुत ज़्यादा टनल्स बनी हुई हैं। और इस कोंकण रेल के साथ एक ऐसे महान हस्ती जुड़ी हुई हैं जिन्होंने कि दिल्ली मेट्रो में भी जिनका बड़ा योगदान रहा, जो कि एक समय पर जब दिल्ली मेट्रो बन रही थी तो वो उसके चीफ रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ श्री ई श्रीधरन जी की, जिन्होंने कि जिनको कि काफ़ी तजुर्बा था, जिन्होंने कि कोंकण रेलवे की सफलता देखने के बाद गवर्नमेंट ने उनको रिकमेंड किया कि वो यहाँ पर भी अपनी सेवाएं दें। और आप जानते ही हैं कि आज हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं दिल्ली में, तो कितनी सहूलियत वाला ये सफ़र है। तो फ्रेंड्स, ये आपका पनवेल से आप जो मैंगलोर तक जाते हैं, इस दौरान कोंकण रूट पर आपको 67 स्टेशन्स मिलते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी भी ये टनल चली हुई है, सिंगल यहाँ पे पटरी डली हुई है और ये आप जो रोशनी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये टनल खत्म हो रही है। और ये आप देख रहे हैं, टनल से हम लोग बाहर आ गए हैं। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। अभी इस वाली लाइन पर फिलहाल डीजल इंजन के द्वारा काम हो रहा है और ये विनहेरे जो कि महाराष्ट्र में लगता है स्टेशन, वहां से हम लोग ने गुजरे हैं। तो आप ये देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये दृश्य होता है। तो मैं इससे पहले भी फ्रेंड्स, मैंने इस रूट पे ट्रैवल किया है जबकि थोड़ा रेनी सीजन होता है। तो जब रेनी सीजन होता है तो यहाँ पर एक अलग ही खूबसूरती दिखाई देती है। वो कैसे कि यहाँ पर जब रेन बारिश एक बार हो जाती है तो चारों तरफ हरियाली हो जाती है। तो आपको ये जो अभी सूखे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इस पर चारों तरफ हरियाली हो जाती है और नजारा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। इसमें कई सारे बहुत ही बड़े स्टेशन्स भी लगते हैं, जैसे कि अगर आप बोलें कि रत्नागिरी जो कि बहुत फेमस है, रत्नागिरी के जो आम हैं अल्फांसो बहुत ज्यादा तादाद में रत्नागिरी में होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अभी हम लोग महाराष्ट्र में चल रहे हैं। ये साइड बाय साइड रोड भी है, कुछ यहां पर आपको मकान, हल्की आबादी भी दिखाई दे जाएगी।
बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है यहाँ पर, और बहुत ही मतलब आप फील भी करेंगे कि बड़ा ही सुकून का, बड़ा ही शांत यहाँ पर वातावरण होता है। गर्मी लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा पड़ती है, और बेसिकली जो कोंकण रूट जो चलता है, अगर मैं आपको बोलूं तो नियर बाय थोड़ा थोड़ा समुद्र के इलाकों को भी टच करता हुआ चलता है। कुछ एरिया जहां से कि समुद्र बहुत ही पास रह जाता है, तो आप ये देख रहे हैं यहां से कर्व्स हैं और मैं ट्रेन के बिल्कुल बीचों बीच हूं, और आप ये देखिए पीछे से भी देखिए ट्रेन कितनी लंबी है, और ये हम एक स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। अभी यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कई जगह सिंगल लाइन ही है, तो डबल लाइंस भी बनाई जा रही हैं, धीरे धीरे तरक्की की जा रही है इनमें। और मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप भी घूमना चाहते हैं इंडिया में तो ट्रेन्स फेयर बहुत ही रीजनेबल होता है और आप इंजॉय करते हैं, बस थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन जो चीज आप देखते हैं उसके लिए तो ये एक बार तो लाइफ टाइम में बनता है कि कितनी खूबसूरत जगह है। ये आप देखिए ये यहां पर घर है और इसमें ये नारियल के काफी सारे पेड़ हैं। तो अभी जितना अभी हम गोवा की तरफ बढ़ेंगे तो उतना ही ये नारियल के पेड़ आपको ज्यादा दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे ही वहां पर बड़े बड़े आपको नारियल के फार्म्स मिलेंगे। अभी ट्रेन थोड़ा स्लो कर दिया है, और ये आप ये देखिए लोग यहां पर बैठे हुए हैं, ये लोग काम करते हैं। दोपहर का वक्त होने वाला है, थोड़ी देर में फ्रेंड्स हम रत्नागिरी पहुंचेंगे, और आप ये देख रहे हैं सामने इंजन, डबल इंजन इस गाड़ी में लगा हुआ है, क्योंकि डबल इंजन की ताकत से ही ये खींच सकता है। और आप ये देखिए ये कितना खूबसूरत है, सुंदर है, घाटी है, ये बहुत ही सुंदर। तो ये सब नजारे शायद आपको वीडियो पे इतने अच्छे ना दिखाई दें, जो कि आप खुद से देखें तो आपको ज्यादा सुंदर महसूस होगा। ये देखिए हल्का पानी का एक नदी, बहुत ही सुंदर लगती है। और एक और टनल ये आ गई है, तो इसमें छोटी बड़ी करके बहुत सारी टनल्स आपको मिलेंगी देखने के लिए। शायद यही रीजन होता है कि बहुत सारे जो विदेशी सैलानी होते हैं वो इंडियन रेलवेज को में प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें वो मिस करते हैं। ये देखिए न्यूसर करके एक स्टेशन हम लोग पार कर रहे हैं, ये जो कि सिर्फ इंडिया में ही मिल सकता है। और ये देखिए स्टेशन काफी ऊपर बना हुआ है, और यहां से इसको ग्रीन सिग्नल दिया गया है, तो ये गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ रही है हमारी। अभी यहां पर एक ट्रेन का पासिंग है, तो हमारी गाड़ी को साइड में रोक दिया गया है, क्योंकि सिंगल लाइन है तो पहले किसी एक ट्रेन को निकलना होगा, तो अभी इस वाली ट्रेन को पहले मौका दिया जा रहा है निकलने का। वो आप देख रहे हैं हरा झंडा भी दिखा रहा है, सिग्नल दिखा रहा है सामने आदमी, और ये देखिए ट्रेन ये करीब आ रही है, ये भी शायद कोई एक्सप्रेस गाड़ी है। तेज गति से निकल रही है, और ये निकल गई, तो अब हमारे लिए जाने के लिए भी रास्ता बन जाएगा, अब हमारे भी ग्रीन सिग्नल दे देंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी